ਕਲਾਸ 1 ਕਲਾਸ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟਾਪਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2 ਵੈਕਟਰਸ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੈ ਡਾਟ অর ਸਕੈਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਰਾਸ ਆਰ वेक्टर प्रोडक्ट ठीक है फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के आप मल्टीप्लाई जदों करना है तो दो वैक्टरसूँ डॉट न रिप्रजेंट करना है कि ए डॉट बी इस तरह आप कर रहे हैं, ठीक है दिस इज़ स्केलर प्रोडक्ट सो इनद रिजल्ट स्केलर वैल्यू होएगी एग्जाम्पल जिमें वर्क है वर्क फोर्स थे है, फा, से डिस्प्लेसमेंट द स्केलर प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट ना आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वही से डबल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट वैक्टर क्वेंटिटी है तो वर्क स्केलर क्वेंटिटी है दो वैक्टर कंसीडर कर लें आप ए एंड बी एंगल थीटा बना रहे हैं आपस सी हेयर वैक्टर ए एंड बी वैक्टर ए ना रिप्रजेंट किया ओ पी नैक्टर बी है ओ क्यू एंड इन एना एंगल बन रहा है थीटा सो so इन दॉट so या स्केलर प्रोडक्ट होएगी vector a dot vector b will be equal to magnitude of vector a magnitude of vector b and cos theta. So, cos theta will be equal to vector a dot vector b upon magnitude of vector a into magnitude of vector b. सो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जो आप दो वैक्टर करते हाँ मतलब वैक्टर ए एंड बी द इस नंबर वन तो आप रिप्रजेंट करना ए डॉट बी ठीक है जिसनों आप पढ़ना भी एवं है वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी स्केर क्वॉंटिटी होगी एंड दिस विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैगनीच्यूड ऑफ वैक्टर ए एंड वैक्टर बी एंड द कोसाइन ऑफ द समॉलर एंगल बिटवीन दैन ठीक है आप एंगल का कॉस लेना जे थीटा समॉलर है बिटवीन ए एंड बी दैन ए डॉट बी न लिख सकते हैं ए बी कास थीटा ठीक है क्योंकि A and B and ए एंड बी एंड कॉस थीटा ये तीनों क्वानिटी स्केलर है ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਕਟਰ A ਤੇ ਵੈਕਟਰ B ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਕੈਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਨੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ A ਐਂਡ B ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ हाँ जी इस बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट नंबर वन डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट इन स्केलर वैल्यूज ये थोनू समझा चुकी हाँ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव थोड़ा पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए ठीक है आप पहले वैक्टर दूसरे वैक्टर न डॉट प्रोडक्ट करिए या दूसरे वैक्टर पहले करिए डॉट प्रोडक्ट दैन आंसर विल बी सेम डिस्ट्रीब्यूटिव है डॉट प्रोडक्ट एक इस तरह होंगी है एग्जाम्पल देखो अपने को थ्री वैक्टरस है थ्री वैक्टरस आप डॉट वैक्टर ए डॉट ब्रैकट के वैक्टर बीते वैक्टर सी प्लस करके बाद दे वैक्टर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आप की कर सकते हैं ਵੈਕਟਰ A ਨੂੰ B ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਵੈਕਟਰ A ਦੀ C ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਮ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਰੀਕਲਸ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੈਕਟਰ ਆਈ ਵੈਕਟਰ ਜੀ ਵੈਕਟਰ ਕੇ ठीक है जब दो वैक्टर्स पैरल है मतलब उना थीटा एंगल ज़ीरो डिग्री है कॉस जीरो वन है दैन ए बी कोस जीरो की हो गया इक्वल टू ए बी ठीक है यूनिट वैक्टर्स दे आई वैक्टर यूनिट वैक्टर इन डॉट प्रोडक्ट आई वैक्टर दिस वन ए वाली क्वानटिटी यूनिट वैक्टर आई डॉट यूनिट वैक्टर आई दिस विल बी इक्वल टू वन ठीक है जे दो वैक्टर स्पैरल हैं थीटा जीरो है उन्होंने कॉस जीरो की वैल्यू वन है दैन वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी इज इक्ल टू ए बी कोस जीरो डिग्री सो ए बी इज इक्ल टू ए बी इंटू वन दैट विल बी इक्वल टू ए बी इस तरह जे आप यूनिट वैक्टर्स आई नू आई नाल, जे नू जे नाल, के नू के मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट करते हैं दैन और आंसर होएगा वन ठीक है ये जरूर याद रखना तो है इस तुम फिफ्थ पॉइंट है देखो व्हेन टू वैक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दो वैक्टर आपस परपेंडिकुलर हैं थीटा उन्होंने नाइनटी डिग्री होएगा कॉस नाइनटी कि होंगे जीरो सो ए डॉट बी वैक्टर प्र डॉट प्रोडक्ट होएगी जीरो बिकॉज कॉस नाइनटी जीरो सो इस तरह दो परपेंडिकुलर वैक्टर्स हैं आई डॉट जे जे डॉट के के डॉट आई डॉट प्रोडक्ट होएगी जीरो ठीक है कुछ नोट्स हैं याद रखने हैं कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी ठीक है वैक्टर बी है अपने कोई अलोंग अपा वैक्टर ए का कंपोनेंट देखना दैट विल बी वैक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा विल बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी द मैग्नीट्यूड अल्टीमेटली देखो वेक्टर बी ना जो वेक्टर बी दे ना मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को यूनिट वैक्टर आंदीक है सो दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर ए इनटू बी द यूनिट वेक्टर क्लियर हो गया है सैवंथ पॉइंट है इस तरह कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए अपा ए दे अलोंग बी का कंपोनेंट देखना है दैट विल बी वैक्टर बी का मैगनीच्यूड इन टू थीटा, दैट विल बी इक्वल टू वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी अपॉन ए दैगनीच्यूड वैक्टर ए अपॉन ए दैगनीच्यूड दैट विल बी इक्वल टू ए यूनिट वैक्टर सो आह वाला जोड़ा बी वैक्टर इस तरह ही रहेगा अपने को रिजल्ट आ गया वैक्टर बी डॉट यूनिट वैक्टर ए बाद उसो पॉइंट चाहो आप वैक्टर ए नार्टीजियन कोर्डीनेट्स इस तरह डिनोट करते एक्स इंटू आई यूनिट वैक्टर प्लस ए वाई तो जे यूनिट वैक्टर प्लस ए जेड तो के यूनिट वैक्टर ये पिछली वीडियोज देख चुके आप एलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस किसी वैक्टर किस तरह डिनोट करते हों विद यूनिट वैक्टर आई जे एंड के एक्स एलोंग एक्स एक्सिज आप आई यूनिट वैक्टर लें होंलोंग वाई एक्सिज जे यूनिट वैक्टर एलोंग जेड एक्स इज आप के यूनिट वैक्टर लास् वैक्टर बी राइट हूँ जी आप वैक्टर ए, ए नाल ही डॉट प्रोडक्ट करनी है दिस वन दैन दिस विल कम्स आउट लाइक दिस ठीक है ये अपनी कॉपीज़ से बच्चे करके देखना क्योंकि जे मैं ये इतने करके कर दिखा लगी तो अपनी वीडियो बहुत लंबी होएगी और ये बहुत सिंपल गल है क्योंकि छोटी कलासा तुम पढ़ चुके ठीक है यह अपने आप करके देखना जे थो तो ना समझ आया तो मैं पूछ लेना ठीक है यह ए, ए दी एट प्रोडक्ट इस तरह ही बी दे डॉट प्रोडक्ट ठीक है अपने कोिजल्ट यह दोनों आन ए स्केर विल भी इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर प्लस ए जेड स्केयर ए वाले फॉर्मूले यूज़ करने हैं ठीक है हाँ जी इस तरह ही ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट भी करके देख सकते हो इसका रिजल्ट यह आएगा तीस करके देखोगे कॉपीज श्योरली थोन समझ आ जाएगा सेकेंड है अपने को क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ठीक है नाउ व्हाट इज दिस दो वेक्टर्स हैं अपने को वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ठीक है इन क्रॉस प्रोडक्ट है एनअदर वैक्टर सी और ए सी का मैगनीच्यूड किसा इक्वल है इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द समॉलर एंगल बिटवीन दैम हूँ थीटा लवेंगे ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट ए ना इसबल जिस तरह आप मल्टीप्लाई का सिंबल पाने आपस पा, या वैक्टर प्रोडक्ट न सिंबल शो करते हाँ ठीक है और जो दो प्रोडक्टा का करोड़ प्रोडक्ट प्रोडक्ट होंगे दैट इज आलसो इक्वल टू वैक्टर इग्जाम्पल है टॉर्क की टॉर्क कियुअल होंगे फोर्स से मूवमेंट आर्म द ठीक है दिस इज वैक्टर प्रोडक्ट फोर्स मूमेंट आर्म एंड टॉर्क तिने क्वानटिटिया वैक्टर हैं दो वैक्टर हैं अपने को बी एंगल थीटा बना रहे हैं एक दूजे ठीक है इस दे एना दी देखोगे इनास प्रोडक्ट या वैक्टर प्रोडक्ट की होएगी दैट विल बी इक्वल टू वैक्टर ए का मैगनीच्यूड बी का मैगनीच्यूड एंड साइन थीटा बिटवीन दैम And na lana n unit vector. N unit vector jede hega that is in the direction of third vector c. And or is the direction vector product of two vectors is perpendicular to the plane containing vector a and b and points in the direction. राइट एन यूनिट वैक्टर अलोंग अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वैक्टर ए एंड वैक्टर बी एंड थीटा बी इक्वल टू ए क्रॉस बी द मैग्नीट्यूड अपॉन ए वैक्टर मैगनीच्यूड इन टू बी वैक्टर द मैग्नीट्यूड ठीक है ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू अपने को ए क्रॉस बी मीन्स वैक्टर ए इज रोटेटिड टूअर्ड बी एंड इट्स इफेक्ट इज टेकन ऑन बी देखो इसबारा देखो वैक्टर ए इज रोटेटेड टूअर्ड बी एंड इट्स इफेक्ट इज टेकन ऑन बी आप हम रोटेट कर रहे हैं। इस वैक्टर ए वाल देखो राइट राइट हैंड थैमूल या मैक्सवेल कॉक्स स्क्रू रूल न डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इन दिस केस इज परपेंडिकुलर एंड इन टू द्लेन ऑफ द डायग्राम ठीक है परपेंडिकूलर होगी एंड प्लेन ऑफ द डायग्राम दे इन होएगी बी इज रोटेटेड टुवर्ड्स ए एंड इट्स इफ़ेक्ट इज टेकन ऑन वेक्टर ए द रिजल्टेंट इन दिस केस इज परपेंडिकुलर एंड अमर्जिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ द डायग्राम

दो वैक्टर क्वॉंटिटी की क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं या वैक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आंसर वैक्टर आएगा ए कम्यूटेटिव नहीं होंगे हैगा। ठीक है जे आप वैक्टर ए नॉस वैक्टर बी न करना है दैन दैट विल नॉट बी एग्जैक्टली इक्ुअल इट विल बी माइनस बी वैक्टर करॉस ए वैक्टर थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट वैक्टर आई एंड आई द्रॉस प्रोडक्ट करनी है दैन दैट विल बी इक्वल टू जीरो मतलब जदों वैक्टरस आर पैरल और एंटी एंटीपैरल थीटा जीरो है या थीटा वन एट्टी डिग्री है दैन साइन थीटा की होएगा जीरो एंड वैक्टर ए दी बी दे नाल क्रॉस प्रोडक्ट होएगी जीरो इस तरह ही यूनिट वैक्टर दी ए सारे यूनिट वैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होएगी जीरो नेक्स्ट केस देखते हैं अपना फोर्थ पॉइंट है वेन वैक्टर्स आर प्रपेंडिकूलर मतलब थीटा नाइनटी डिग्री है सैन थीटा सैन नाइनटी डिग्री होंगे वन सो ए बी वैक्टर द्रॉस प्रोडक्ट होएगी ए बी इंटू सी यूनिट वैक्टर ठीक है मतलब करॉस प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली प्रपेंडिकुलर वैक्टर्स इज अ वैक्टर हुज़ मैग्नीट्यूड इज़ इक्ुअल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड

एंड हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकूलर टू द्लेन कंटेनिंग टू वैक्टर्स ठीक है सो यूनिट वैक्टर्स की होएगा जे आप आई यूनिट वैक्टर जे नाल करोस प्रोडक्ट करनी है दैन इट इट विल भी इक्वल टू तो थर्ड यूनिट वैक्टर के जे द केनी है दैन इट विल भी इक्वल टू तो वाई के दई करनी है दैन इट विल भी इक्वल टू तो जे ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है एंड इस तरह ही इथे आई क्रॉस जे, सी, हुन आपा जे आई की हम आप जे करॉस आई करा तो माइनस के आएगा इतने आप करॉस के किया के करॉस जे करा तो माइनस आई आएगा के करॉस आई है आई करॉस के करना तो माइनस जे आएगा मतलब यह तीनों क्वॉंटिटीज़ के अगे माइनस लग जाएगा ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट ना डॉट प्रोडक्ट तो डिफरेंट करके देख रहे हैं हाँ जी ए वैक्टर आप्टीजिययन कोनेट्स रिप्रेजेंट करता दिस एंड इस तरह ही बी वैक्टर आप्टीजिययन कोनेट्स रिप्रेजेंट करता नाउ ए करॉस बी किस तरह करना वैक्टर ए करॉस वैक्टर बी किस तरह करना सब तो पहला आप जे के यूनिट लिख लेने है दैन आप आई दे एक्स इतें लिखना जे नाल जो ए वाई है इस दे तरह लिखना सैकेंड रोज एंड के जेड है उस तो बाद दूसरे बी वैक्टर दे आप तिने कोनेट्स लिखने हैं ठीक है थीके? आई दे नीचे आई वाला ही लिखना है, जे नीचे जे वाला और के नीचे के वाला लिखना है। देखो हूँ मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है थीके? हाँ जी हूँ दी क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह होएगी? आई यूनिट वेक्टर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ i ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਥੈਨ ਆਪਾਂ ਥਿਸ ਰੋ ਐਂਡ ਥਿਸ ਰੋ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚਾਰ ਡਿਜੀਟਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਡਿਜੀਟਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ a y ਨੂੰ b z ਨਾਲ ਐਂਡ a z ਨੂੰ b y ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਰ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ i ਆਪਾਂ i ਵਾਲੀ ਦੋਨੇ ਲਾਈਨਸ ਛੁਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਏ ਵੀ ਨੂੰ bz ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ THEN ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ ਤੇ A Z ਨੂੰ B Y ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਜੂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ J ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ J ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ J ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਛੁਪਾ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ A ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ दिस जे वैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करने अपने को ले हैं दो टर्म चार टर्म्स हैं ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड ठीक है आपको ए एक्स एक्सू करना है बी जेड बीजैड ए जेड न करना है बी एक्स नकार साइन आएगा माइनस का ठीक हो गया हूँ देखो के यूनिट वैक्टर का this k unit vector ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ k ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਛੁਪਾ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹ ਚਾਰ ਟਰਮਸ ਚਾਰ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਆਏਗਾ ax ਨੂੰ by ਨਾਲ ay ਨੂੰ bx ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟੋਟਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਨਸਰ ਇਜ਼ ਥਿਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸਾਰੇ 베ਸਟ ਹੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ सो जे आप और बी वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेना दैन दैट विल बी इक्वल टू दिस ठीक है एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं है। अपने आप ड्राइव भी करके देखने हैं ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਅਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਡ ਵੈਕਟਰਸ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਥਿਸ ਵਾਸ ਲਾਸਟ ਟਾਪਿਕ ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਆਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਲਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ नोट्स बनाओ इनू देख के ते उस तो उस बाद उसमेरिकल्स वाली वीडियो अगली बार मिलते हैं सो टिल दैन टेक केयर बाय बेटा